हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कर्णावत्स। वेलकम ऑन एन अकेडमी। आज के इस लेसन में हम राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको आरपीएससी से रिलेटेड जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं, जैसे कि आरएएस एग्ज़ाम, रीट एग्ज़ाम या फिर राजस्थान कॉन्स्टेबल एग्ज़ाम, उन सभी एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इस लेसन से हेल्प मिलेगी। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन है, आप यहाँ पर इसे पढ़ सकते हैं। हम फर्स्ट एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं, राजस्थान से रिलेटेड। राइट, देखिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राजस्थान का स्टेट बर्ड कौन सा है? चार ऑप्शन है हमारे पास, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, एमेरल्ड डव, इंडियन रोलर या फिर ब्लैक फ्रैंकोलिन। राइट, आप प्लीज़ एक पोज लीजिए और क्वेश्चन को, अगर आपको क्वेश्चन आता है तो उसे आप मार्क कीजिए। राइट, नोट कीजिए उसे। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। राइट, ये डायग्राम में आपको दिख रहा है तो ये हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि स्टेट बर्ड है हमारे राजस्थान का। राइट, बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, देखिए एमेरल्ड डव जो है वो तमिलनाडु का स्टेट बर्ड है। राइट, इंडियन रोलर जो है वो बिहार का और उड़ीसा का, यानी कि दो स्टेट्स का स्टेट बर्ड है, और ब्लैक फ्रैंकोलिन जिसे हम काला तीतर भी कहते हैं ये हरियाणा का स्टेट बर्ड है। राइट, बेसिकली हमें किसे याद रखना है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हमें याद रखना है, ये राजस्थान का स्टेट बर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए ये पूछता है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डजंट कम अंडर द हदोती रीजन। हदोती रीजन के अंदर राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट नहीं आती है? तो चार ऑप्शन है हमारे पास, कोटा, बारा, बूंदी और पाली। तो फाइंड आउट करते हैं हम इसे। देखिए ये मैप देखेंगे आप तो इस मैप में ये हदोती रीजन है। हदोती रीजन जो है फोर डिस्ट्रिक्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करता है, देखिए बारा, बूंदी, कोटा और झालावाड़। तो कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास इसमें? अब आपको आंसर आ जाएगा इसका, पाली ऑप्शन इसका आंसर होगा। राइट, और पाली ऑप्शन, पाली जो डिस्ट्रिक्ट है कौन से रीजन के अंदर आता है? तो यहाँ पर आप देखेंगे ये पाली डिस्ट्रिक्ट है हमारा, ये मारवाड़ रीजन के अंदर आता है। राइट, तो हदोती जो हमारा रीजन है राजस्थान का, इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट्स हुए? चार डिस्ट्रिक्ट, बूंदी, बारा, झालावाड़ और कोटा। हदोती को पहले जो है हम बूंदी किंगडम भी इसे बोला जाता था। राइट, इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए बारा, कोटा में बूंदों ने बारिश की किससे? जल से। तो आपको ये निमोनिक से हदोती के रीजन में जितने डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कालीबंगा एक प्री हिस्टोरिक साइट है, इट इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है? हनुमानगढ़ में, जैसलमेर में, गंगानगर में या फिर बीकानेर में? आइए देखते हैं हम इसे। देखिए ये जो डिस्ट्रिक्ट है हमारी, ये हनुमानगढ़ है, तो हनुमानगढ़ के वेस्टर्न रीजन में यहाँ पर कालीबंगा जो है लोकेटेड है। कौन सी रिवर के बैंक पर ये लोकेटेड है? तो घाघर नदी के बैंक पर ये लोकेटेड है, जिसे हम घाघर हगरा रिवर भी कहते हैं। राइट, सो कालीबंगा जो प्लेस है जहाँ के एक एंशियंट जो हमारी सिविलाइजेशन है वो इसके नज़दीक डेवलप हुई है, तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान डजंट शेयर बॉर्डर विद द पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर नहीं बनाती है? चार ऑप्शन है हमारे पास, बाड़मेर, जोधपुर, गंगानगर और जैसलमेर। राइट, सो इस क्वेश्चन से हम ये भी याद करेंगे कि कौन सी चार डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान की बॉर्डर बनाती है। राइट, तो देखिए बहुत आसान है, ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि पाकिस्तान के साथ बॉर्डर बनाती हैं। दो जो हैं बी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, बीकानेर और बाड़मेर, और जो दूसरी हैं वो है गंगानगर और जैसलमेर, एक जी से स्टार्ट होती है, एक जे से। राइट, तो हमारा आंसर अब आपके पास आ गया होगा, गंगानगर तो करती है, बाड़मेर करती है, जैसलमेर करती है, दूसरी कौन सी थी हमारी? बी से बीकानेर। तो इसका आंसर क्या होगा, कौन सी डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर शेयर नहीं करती? जोधपुर। राइट, इस मैप में देखेंगे तो जोधपुर कहाँ है? इनलैंड लोकेटेड है, इस साइड पे लोकेटेड है। राइट, तो ये पाकिस्तान के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म ऑफ राजस्थान इज इंक्लूडेड इन इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट ऑफ यूनेस्को। राइट, यहाँ पर हमें इनटेंजिबल का मतलब पता होना चाहिए। देखिए इनटेंजिबल वो चीज़ होती है जिसे हम प्रिजर्व करके ना रख सके। राइट, वेरी सेंसिटिव, जैसे डांस फॉर्म है, इसको हम किसी भी फिजिकल फॉर्म में प्रिजर्व करके तो नहीं रख सकते, इसे सिर्फ जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। राइट, नेक्स्ट जनरेशन में हम इसे ट्रांसफ़र करते हैं। तो राजस्थान का ऐसा कौन सा डांस है जो कि यूनेस्को लिस्ट में आता है?
देखिए चार ऑप्शंस है हमारे पास, घूमर डांस, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी या फिर तेरा ताली। ये चारों ही डांसेस जो है फोक डांसेस हैं राजस्थान के, राइट। तो कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में जो डांस आता है वो है हमारा कालबेलिया डांस। ये बहुत ही फेमस डांस है, इसे वर्ल्ड लेवल पर परफॉर्म किया जाता है, राइट। इसको हम सपेरा डांस भी कहते हैं, स्नेक चार्मर डांस भी कहते हैं, राइट। ये डांस इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जाता है, इसे स्नेक डांस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इस डांस को परफॉर्म करते हैं इसमें स्नेक की तरह जो है बॉडी में बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, राइट। तो इतना इम्पोर्टेंट ये डांस है, इसे कौन परफॉर्म करता है, जो कालबेलिया ट्राइब्स के पीपल होते हैं वो इसे परफॉर्म करते हैं। 2010 में इसको इंटेंजिबल लिस्ट के अंदर शामिल किया गया, राइट। ये आप जो यहाँ पर डांसर देख रहे हैं बहुत फेमस डांसर है कालबेलिया डांस की, इनका नाम है गुलाबो देवी, राइट। इन ये बहुत वर्ल्ड लेवल पर डांसेस को परफॉर्म करती हैं, हमारे राजस्थान के फोक डांस पर को इन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक ये लेकर के गई है, राइट। यही रीज़न है कि इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, कियोलेडियो नेशनल पार्क जिसे हम केवला देव नेशनल पार्क भी कहते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है राजस्थान की। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, भरतपुर, अजमेर, जयपुर और कोटा। तो देखिए केवला देव नेशनल पार्क जो है ये हमारी ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की भरतपुर, यहाँ पर लोकेटेड है, राइट। ये एक पिक्चर क्लिक किया गया है केवला देव नेशनल पार्क का, राइट। इसकी क्या खासियत है, देखिए ये रैमसर साइट के अंदर आता है। रैमसर साइट कौन से होते हैं, जो वेटलैंड प्रोटेक्शन के अंदर जिसको हम लेकर के आते हैं, मॉन्ट्रोक्स रिकॉर्ड की रैमसर कन्वेंशन के अंदर केवला देव नेशनल पार्क आता है। दूसरी साइट कौन सी है राजस्थान की जो इसके अंदर आती है, वो है हमारी सांभर लेक, राइट। इस नेशनल पार्क को हम भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जैस्मिन लेक इज कंसीडर्ड एज द सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन द वर्ल्ड एंड फर्स्ट इन द एशिया, राइट। ये हमारे वर्ल्ड की तो सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है और एशिया की फर्स्ट है। आर्टिफिशियल लेक का मतलब क्या होता है, ये हमने किया था हमारे मैंने जो पहले कोर्सेज बनाए हैं लेक्स पे, राजस्थान की ज्योग्राफी पे, ये सारे क्वेश्चंस अगर आपने वो कोर्सेज देखे हैं तो आपके क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपने उन कोर्सेज को नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उन कोर्सेज को रेफ़र कीजिए, राइट। तो ये आर्टिफिशियल लेक वो होती है जिसे मैन के द्वारा क्रिएट किया जाता है, राइट। किसी भी रिवर की डैमिंग करके जिस लेक को बनाया जाता है उसे हम आर्टिफिशियल लेक कहते हैं। ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जयपुर, उदयपुर, राजसमंद या फिर अजमेर। देखिए आप नाम से अगर कोरिलेट करेंगे, अगर आपको नहीं पता तो जैसमंद और राजसमंद, आप राजसमंद टिक कर सकते हैं लेकिन ये गलत होगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, उदयपुर में, राइट। ये देखिए इस मैप में अगर आप देखेंगे तो ये जैसमंद है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, राइट। इसे हम डीबर लेक भी कहते हैं, राइट। 1685 में महाराजा जय सिंह जो है उन्होंने इसको बनाया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जैसमंद लेक जो है किस रिवर पर बनी हुई है, तो गोमती रिवर पर। कौन सी रिवर पर है ये, गोमती रिवर पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच रिवर ऑफ राजस्थान इज नोन एज वन की आशा, किसको कहते हैं, राइट। वन की आशा यानी कि होप ऑफ फॉरेस्ट जो है कौन सी नदी को कहा जाता है। तो चार ऑप्शन है, बनास, लूनी, चंबल और माही। देखिए इसमें हम थोड़ी सी जनरल सेंस को यूज करेंगे तो बनास, बनास मीन्स वन की आशा, राइट। ये नाम से ही पता चल रहा है तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बनास रिवर, राइट। ये एक मैप है, ये मेरे कोर्सेज का ही एक मैप है, इसमें इसका ओरिजिन और जो एंड जहाँ पर ये जाती है ये सारा इसके अंदर शो किया गया है। तो अगर आपने बनास रिवर को डिटेल में नहीं स्टडी किया है तो आप इसे भी पढ़ सकते हैं। देखिए ये चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, चंबल जो है किसकी ट्रिब्यूटरी है, यमुना की, और यमुना फाइनली किसकी ट्रिब्यूटरी है, गंगा रिवर की, राइट। इसे वन की आशा भी कहते हैं। इसमें जो एक पॉइंट याद रखने वाला है, देखिए इसका ओरिजिन जो है वो राजस्थान से है और इसका एंड पॉइंट भी कहाँ पर है, राजस्थान से। तो ये एक और क्वेश्चन इसके साथ एमसीक्यूज में बनता है कि कौन सी ऐसी रिवर है जो फुली राजस्थान में फ्लो करती है, जिसका ओरिजिन और एंड दोनों राजस्थान में है, तो वो कौन सी रिवर हो गई हमारी, बनास रिवर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान की कौन से डिस्ट्रिक्ट को गोल्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर, राइट। तो इसका आंसर है जैसलमेर, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट जो है राजस्थान की उसे जो है गोल्डन सिटी कहा जाता है। ये फोर्ट है राजस्थान का, आप देख सकते हैं गोल्डन लुक इसकी,
इसको गोल्डन सिटी क्यों कहा जाता है? देखिए, जो पूरा का पूरा हमारा जैसलमेर टाउन है, ये जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट का मैप है, राइट, वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है ये राजस्थान की। ये कहाँ पर है? ये येलोइश सैंडस्टोन पर जो है खड़ा हुआ है, राइट। कौन सी मिट्टी है यहाँ पर, कौन सा वो मिलता है आपको? तो वो है येलो कलर का सैंडस्टोन मिलता है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, गोल्डन सिटी, राइट। और ये जैसलमेर का फोर्ट है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है वो है 84 खंभों की छतरी, या राइट, या फिर 84 पिलर सेनोटेफ कौन से डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान के लोकेटेड है, राइट। तो ऑप्शंस है बूंदी, अलवर, जैसलमेर या फिर जयपुर। तो इसका आंसर होगा बूंदी डिस्ट्रिक्ट, बूंदी डिस्ट्रिक्ट पर। ये आप देख रहे हैं कितने पिलर्स हैं इसमें, ये मैप है, ये डायग्राम है 84 खंभों की छतरी का, राइट। एक पिक्चर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है ये प्लेस दिखने में, राइट। ये कहाँ पर है? बूंदी टाउन में लोकेटेड है। इसे 1683 में बूंदी के जो महाराजा थे, राजा अनिरुद्ध जी, उन्होंने बनवाया था अपने भाई देवा की याद में, राइट। इसे हम क्या कहते हैं, म्यूजिक महारानी की छतरी भी हम इसको कहते हैं। ये जो 84 खंभों की छतरी जो है, इसकी एक स्पेशलिटी है कि जब भी कोई पर्सन इनको काउंट करने लगता है, इन पिलर्स को, 84 पिलर्स है ना यहाँ पर, उसी की बेस्ड ये जो स्ट्रक्चर है, अम्ब्रेला टाइप स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इनको काउंट करने लगे तो वो काउंट नहीं कर पाता है, राइट। वो भूल जाते हैं उनको कहाँ से स्टार्ट किया, कहाँ से हमने ख़त्म किया था। इस टाइप का ये इतना इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है बनाया गया है, राइट। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी है जिसे हमने कवर किया है रूफ टॉप, ये रूफ टॉप आप देख रहे हैं, और सराउंडेड बाय वो कैसे है, 84 पिलर्स से, राइट। तो ये हमने 10 MCQs क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसमें सिर्फ 10 क्वेश्चंस नहीं, उसके साथ जितनी भी एक्सप्लेनेशंस हैं, इन एक्सप्लेनेशन से और भी क्वेश्चंस जो है हमारे वो कवर हो गए। जैसे कि बनास रिवर को बन की आशा कहते हैं तो हमने कर लिया, लेकिन दूसरा क्वेश्चन हमने क्या कर लिया, कौन सी रिवर एंटायरली राजस्थान में फ्लो करती है, राइट। फिर जैसमंद लेक की जो बात की थी, उसका दूसरा नाम क्या है, ढीबर लेक है। वो वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है या फिर फर्स्ट लार्जेस्ट है, राइट। सो इस तरह से मल्टीपल क्वेश्चन हमने इस लेसन से सॉल्व किए। आई होप आपको लेसन अच्छा लगा होगा, और अगर आपको लेसन अच्छा लगा है, आपको लगता है वर्थ इट है, तो प्लीज़ आप रेट रिव्यू रिकमेंड ज़रूर कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिए, शेयर कीजिए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, और फॉलो कीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, राइट। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू, टेक केयर।